तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई व्लॉग में। और आज मैं मतलब थोड़ी देर पहले ही जोशीमठ से घर आ चुका हूँ आज। और अभी हम करने वाले हैं थोड़ा सा लड़ियों का टेस्ट, कि कौन कौन से जो पुरानी लड़ियाँ हैं, सारी जल रही हैं, नहीं जल रही हैं, उनको देखेंगे और उनको घर पे पूरा सजाने हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली मतलब कि 2-3 दिनों में आने वाली है, तो घर थोड़ा सजाएंगे आज। पहले लड़ियों से सजाएंगे और दीपावली के दिन भी फूलों वगैरह से सजाया जाएगा वो। तो अभी मैं पहले लड़ी निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि कौन कौन सी लड़ियाँ सही है और कौन कौन सी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी समय बाद निकाल रहा हूँ उनको, तो चेक करना ज़रूरी है पहले। तो सबसे पहले मैं चेकिंग करता हूँ उनकी, तो उसके बाद लगाएंगे बाहर पे, तो निकालता हूँ उनको मैं। तो गाइस, सबसे पहले ये वाली लड़ी चेक करता हूँ कि जल रही है नहीं जल रही है। बटन खुले पड़े हैं। ये वाली लड़ी तो जल रही है, देख सकते हैं आप। और बाकी लड़ियाँ भी चेक करता हूँ कि कौन कौन सी जल रही हैं और कौन कौन सी नहीं जल रही है। ये वाली शायद जल रही थी, ये वाली तो अच्छी लड़ी थी, ये वाली भी काम कर रही है। ये वाला चेक करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सिस्टम हिला हुआ सा लगता है। इसका तो एक पैर ही टूट रखा है, इसको भी थोड़ा देर में देखा जाएगा इसको। इसके प्लग कहाँ है? इसका भी अभी सिस्टम पता नहीं, ये भी नहीं चल रहा है। दो तो अच्छी हैं दो, लेकिन ख़राब निकल चुकी है दो। इसका पैर कहाँ गया? और ये भी काफ़ी अच्छे से जल रहा है। पहले मैं इन दोनों को ठीक करके चलाने की कोशिश करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस, आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे से टूटा पड़ा है इसलिए जल नहीं रहा है। इसको थोड़ा जुड़ा के देखता हूँ जलता कि नहीं जलता। गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने एक लड़ी, ये काफ़ी लंबी, यहाँ से लेके लगभग काफ़ी लंबी लड़ी है, तो इसको ठीक कर लिया है। तो अब इसका परीक्षण करते हैं ज़रा। देख सकते हो ये पूरी लड़ी जलने लग गई है, एक लड़ी तो ठीक कर दिए। इस पर जो ये है ना, ये काफ़ी टूटे पड़े थे, ये वाला छोटा सा, तो इसको मैंने तोड़ ताड़ के जुड़ा दिया है, पूरा जुड़ा दिया इसको। तो आप दूसरी वाली लड़ी ठीक करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस लड़ी को जुड़ाने में काफ़ी टाइम गया है और अभी मैं इसको जुड़ाता हूँ। ये यहाँ का एक टांग टूटा पड़ा था, इसको अभी जुड़ा दिया है। इसको भी देखते हैं ये जलता कि नहीं जलता। देखो, ये भी जलने लग गया है। दोनों लड़ी ठीक कर दिए और बाकी सारे चार लड़ी पहले से जल रही थी और दो मैंने ठीक कर दिए। एक कल पापा मार्केट जाएगा, फिर खरीद के लाएगा एक दो, तो काफ़ी होता है, छोटा सा घर है, इतने काफ़ी होते हैं सजावट के लिए। तो अब मैं इनको सजाता हूँ बाहर पे और उसके बाद सजा के शाम को दिखाऊंगा आपकी सजा के कैसे जलता है बाहर पे। तो अभी मैं इनको लगाता हूँ जिसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहिए, मैं इनको जुड़ा के आता हूँ अभी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई व्लॉग में और आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगा रहा हूँ मोमबत्ती, जो कि दरवाजे के इधर उधर से लगेंगी, आपको बताता हूँ। और यहाँ पीछे देख सकते हो आप, पूरी लड़ियाँ लगी पड़ी है। और ये मैंने एक वीडियो मतलब परसों बनाई थी, तो इसको वहाँ से आगे ऐड कर दूँगा, क्योंकि दिन भर काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी था। तो अभी थोड़ा यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद पटाखे किस तरीके से जलाते हैं वो बताएँगे आपको। तो मिलते हैं आपसे अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर जलाएँगे हम थोड़ा सा मोमबत्ती, तो आपको पीछे का करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इन दोनों को जला दिया है यहाँ पे देखो। अब एक बगल पे एक और का घर है पवन का, उसके घर पे भी लगाने, तो उनको भी लगाएंगे, तो उनको लगाते हैं जल्दी जल्दी। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये वाले काफ़ी मस्त से मतलब लड़ियाँ पूरी काफ़ी मस्त हैं, ऊपर नीचे काफ़ी चलमला रही है। आ रहा हूँ, तो अब बगल पर लगाने हैं तो वहाँ पर चलते हैं, और उसके बाद पूजा होगी, थोड़ा लक्ष्मी पूजा होती है आज। और गाय को भी पूजना रहता है, वो तो पूज दिया है, लेकिन मैं आपको कल सुबह भी पूछते हैं, तो उस समय आपको बताऊंगा। अभी तो मैं अभी क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ, तो कल सुबह वाला जब पूजेंगे तब आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं उधर भी लगा रहे हैं।
तो अभी चला लिए हमने सारे। देखो पीछे पटाखों की आवाज़ भी आ रही है फूटने की, सारे लोग पटाखे फोड़ने लग चुके हैं और हम अब फोड़ेंगे। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है पटाखे फोड़ने की। कल से तो शादी, कल हाँ कल से शादी के व्लॉग शुरू हो जाएंगे फिर से। और अभी नीचे चलते हैं, पूजा हो रही होगी, पिठाई पिठाई लगाते हैं और थोड़ा प्रसाद खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और उसके बाद भी आएगा कल, थोड़ा कहीं घूमने का प्लान बन सकता है तो देखते हैं, वो भी वो तो कल ही देखा जाएगा। अगर वो लौंडा आता है तो इसीलिए घूमने ऊपर साइड थोड़ा जाया जाएगा। तो अभी बस आपसे इतनी बात शेयर करनी थी। और बाकी आप अच्छे से दीपावली मनाइए और अच्छे से पटाखे फोड़िए, लेकिन अच्छे से फोड़िए, कहीं इधर उधर चोट मत लगा लेना। तो बाकी सब अच्छे से करिए और अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो गाइज़ अभी मैं लेके आ चुका था एक स्पेशल दिए, जो ये हैं इनका काफ़ी अच्छा यूज़ है कि ये ना हवा से बुझेंगे ना किसी से बुझेंगे। इनमें बस देखो, इनमें बस डालना है पानी और ये जल जाएंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा कैमरा पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा पानी डालना है और बस ये जल जाएंगे। ये देखो ना, इनमें हवा डालना है, हवा बोल रहा ना, ये हवा से बुझेंगे ना आग लगने का डर है इनमें, काफ़ी अच्छे तरीके जल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालना है और बस ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे इनको जला लिया, वो नीचे पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद पानी लगाएंगे और उसके बाद चलेंगे पटाखे फोड़ेंगे, यहीं पे आएंगे। तो तब मिलते हैं आपसे। और ये देखो ये काफ़ी मस्त चल रहे हैं, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ सिनेमेटिक, चारों दो दरवाजे पे जल चुके हैं ये देख सकते हैं आप। और ये देखो लड़ियाँ। तो अब मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अब फोड़ते हैं पटाखे और आ चुकी है हमारी बिल्ली। चल नीचे जा जा, खाना खा तू, जा जा मुड़ जा मुड़ जा जा ले ले जा। ओके नहीं बन, तो अब जलाते हैं पटाखे और उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस जल्दी जल्दी आग लगाओ। दो दर्जन पटाखों का काफी ज्यादा असर। लड़कियां देखो, लड़कियां जला रही है फुलझड़ी, हमारे जैसे नहीं जला सकती है। बेइज्जती तो बेइज्जती होगी तुम्हारी, लड़के ये फोड़ते हैं, ये खोला जा रहा है अभी बड़ा बड़ा। चल जो खोल चल ये फोड़, लक्ष्मी बम दियो ले रुक, बम लास्ट में बिल पटाखा बड़ा खोल, कुछ बोल ना बच्चा, कुछ बोल, ये कहते ये जगह है, क्या बोल बोल ना, मैं क्यों बोल तू ना। हां ये देखो भाई कैमरे देख के सब डरते हैं, मेरे को कह रहे बोल बोल बोल, ये से वाच ना पानी वाला हिट हुआ। हां ले शोर शराबा बहुत खतरनाक सा, अपना फेस्टिवल एकदम धूमधाम से मनाओ और अच्छे से फोड़ो पटाखे, ऐसा शोर कर दो, ऐसा शोर कर दो कि रात में कान सुन पड़ जाए। धुआं धुआं हो गया पूरा छत, धुएं के बीच से काफी खतरनाक, काफी डर का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा शोर शराबा हो चुका है अभी। गाइस अब रॉकेट जलाने की तैयारी है और ये धुएं से काफी गले में पता नहीं कैसा अजीब सा हो गया है। माचिस हाथ पर, माचिस तो हाथ पर, माचिस अबे ये कुल नहीं है, माचिस अब भी इसको माचिस दिया, अब भी मार्क समझे, माचिस दिलते तू, माचिस कहाँ गया भाई, माचिस ढूंढो जल्दी, मिलियो। रॉकेट जलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक खंभा लाओ, खाली करो, खंभे में डालो एक दो रॉकेट, पानी क्यों ये काफी, इसमें इस बोतल में थोड़ी कच्ची रखनी चाहिए थी हमको, थोड़ा इसमें मिट्टी डालेंगे पहले, इधर से काफी अंधेरा है, इधर मिट्टी डालता हूँ तब मिलता हूँ। पौवा पूरा भर दिया मिट्टी से, देखो
पूरा भर दिया इसको, यहाँ पे जलाएंगे घिरुए। पता नहीं कहाँ चले गई, काफी बड़े बम फोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे। कान को कर लो बंद, पीछे पीछे जाओ, कान बंद कर। बम तो नहीं फूटा, नीचे फूटा जा रहा है। मिस बम, डर के मारे अंदर घमाघम बम है मिस। गांव की थोड़ी झलकियां देखो, सारी जगह इतने पटाखे हैं कि ये फोड़ नहीं पा रहे हैं, थक गए कह रहे हैं। मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये फोड़ेंगे, मैं वीडियो बनाऊ। ये बस शोर कर रहे हैं, ये हल्ला कर रहे हैं बस। ओए ओए मत करो, कहाँ गए भूसम भूस। सब कमांड माल है इस केस का। यहाँ काफी खतरनाक सीन हो गया था। पीछे ये काफी दलिद्दर रॉकेट है जो पीछे पड़ रहा है, काफी दलिद्दर रॉकेट। चलो अब जलाएंगे अनार आराम से। काफी कम अनार, जल्दी जल्दी हो जा रहा है मिस। इसके बाद मैं अनार जलाऊंगा हाथ पे। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। गली के बहुत ही अलग अलग छोर से काफी भयंकर भयंकर आवाज आ रही है। नीचे देखो काफी मस्ती से जलाया जा रहा है। तो गाइस पटाखे पटाखे सारे फोड़ ले हैं, तो व्लॉग करते हैं आज यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं जाता हूँ नीचे खाना खाने, तो एंजॉय करो ये व्यू। तो अब मिलते हैं आपसे सीधा अगले व्लॉग में।